अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हैदराबादी ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। देखिए ज़ाफ़रानी चिकन दम बिरयानी बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए 2 किलो चिकन अच्छे से वॉश करके रख ली मैं। अब क्या करेंगे, इसमें 1-2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि अच्छी स्मेल आती इससे। अब क्या करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए आप लोग। मैं 2 टीस्पून ऐड कर दी, अपने हिसाब से ऐड करना है अदरक नमक। और आप देखिए लाल मिर्च पाउडर है ये, 2 और 3 टीस्पून ऐड कर देंगे अपन। अपन जो नॉर्मल बिरयानी बनाते चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, उस टाइप से ही बनाना रहता, लेकिन ज़ाफ़रान का ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे अब अपन, इसलिए इसको ज़ाफ़रानी बिरयानी, हैदराबादी ज़ाफ़रानी बिरयानी बोलते हैं इसको। अब देखिए पिसे हुई हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे इसको। 2 टीस्पून पिसा हुआ हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। अब देखिए ये गरम मसाला पाउडर है, ये भी फ्रेश है गरम मसाला पाउडर, हैदराबादी गरम मसाला पाउडर है ये। 2 टीस्पून ऐड कर देंगे अब अपन इसमें। अब ये इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देना है। अब ये देखिए पुदीना और हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। पुदीना हरा धनिया ऐड करके अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे चिकन को मसालों के साथ। देखिए अच्छा मिला लेंगे पूरा। अब क्या करेंगे, अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। जितना आप लोग हाथ से मिलाएंगे चिकन में अच्छे से मसाला मैरिनेट हो जाता, अच्छे से मिक्स हो जाता पूरा। चलिए अब क्या करेंगे, अब अपन इसमें फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेश क्रीम ऐड कर दी मैं, 100 ग्राम जितना है फ्रेश क्रीम है ये। अब देखिए ज़ाफ़रान को थोड़ा सा पानी में इस तरह से 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दी थी मैं कलर आए तक। ज़रा थोड़ा सा गुनगुना पानी रहना है, उसमें ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे और अखनी में थोड़ा सा लगा देंगे, थोड़ा रख लेंगे ऊपर से ऐड करने के लिए, इसलिए ज़ाफ़रानी बिरयानी बोलते हैं इसको। ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालना है अपने को ज़ाफ़रान। ये देखिए फ्राई करे सो प्याज है बिरयानी की, डीप फ्राई करे थे अपन, अब ये कर लिए थे, थोड़ी सी हाथ की मदद से क्रश करके अखनी में लगा देंगे इस तरह से, थोड़ी सी रख लेंगे अब ऊपर से डालने के लिए। 1-2-3 मुट्ठी के करीब डाल दी मैं प्याज को क्रश करके। अब क्या करेंगे, ऑयल ऐड कर देंगे इसमें, जो प्याज फ्राई करे थे वही ऑयल है, 250 ग्राम से थोड़ा कम है, ऐड कर देंगे इसमें। अब क्या करेंगे, देखिए दही है ये, दही भी ऐड कर देंगे, 300 ग्राम दही है ये, और एकदम अच्छे से ठीक रहना है, लूज़ रहना नहीं है दही। अब चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अखनी लगा लेंगे पूरा। और ज़ाफ़रान देखिए डालने से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता और अच्छी सी स्मेल आ जाती है। चलिए अब पूरा मिक्स कर लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, नींबू का जूस है ये, 3 बड़े साइज के नींबू ले ली थी मैं, जूस निकाल ली लेमन जूस, अब इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। देखिए अच्छे से नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर ली मैं। अब कवर कर देंगे। अब क्या करेंगे, चकला लौंग और शाहजीरा ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको अखनी लगा कर देखिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे अब अपन। चलिए 1/2 घंटा तक छोड़ देंगे कवर कर लेके। अब ये देखिए बासमती चावल है ये, देखिए इस तरह से 1.5 किलो बासमती चावल भिगा ली मैं, 1 घंटा पहले भिगा ली थी। देखिए ज़ाफ़रान इस तरह से भिगा लेना है,
आप लोग एक बार देख लीजिए, नीम गर्म पानी है ये, इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर लेंगे। इस तरह से कलर अच्छे से आ जाता, थोड़ा सा नीम गर्म पानी मैं ऐड कर देंगे। चलिए अब छोड़ देंगे इसको। मैं अखनी में जब बताई थी ना वही है ये, आप लोग को समझ में आना बोल के बताई नहीं। अब क्या करेंगे, अदहन की तैयारी कर लेंगे। हरा धनिया, पुदीना, देखिए अब नमक ऐड कर देंगे, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे अदहन में, और नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिए। अब इसमें शाजीरा ऐड कर देना है और एक दो पीस चकला ऐड कर देंगे। अब इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे बॉईल आने के लिए। देखिए हमारा अदहन अच्छे से पक गया, अच्छे से बॉईल आ गया इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, जो भिगा के रखे थे बासमती चावल वो इसमें ऐड कर देंगे पूरा। चलिए अब एक 70% तक गले तक पका लेंगे। अब इसको 70% तक पकना है। चलिए 70% हो गए। चलिए अब देख लेंगे, अब इसमें जो अखनी लगा कर रखे थे अपन वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़ाफ़रान की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहना है। अब देखिए अदहन में डाल देंगे अपन जो ये चावल बनाए थे अपन, 70% गलाए थे, इसमें ऐड कर देंगे। चलिए पूरा सा ऐड करके बता दूंगी मैं चावल। ज़ाफ़रानी बिरयानी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, थोड़ी सी सबसे अलग रहती, एकदम टेस्टी और ज़बरदस्त टेस्ट रहता इसका। चलिए अब पूरे चावल में अच्छे से डाल दी, जो मैं ज़ाफ़रान भिगाने के लिए रखी थी आप लोग को बताई थी। देखिए कलर अच्छे से छूट गया इसका ज़ाफ़रान का पानी में। चलिए अब क्या करेंगे, ये ज़ाफ़रान पूरा इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया ज़ाफ़रानी बिरयानी का। अब क्या करेंगे, ज़ाफ़रान पूरा डाल दिए अपन। अब जो फ्राई करे थे प्याज वो भी इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। चलिए जो तेल था प्याज करे थे फ्राई वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, दम देने के लिए रख देंगे। चलिए दम दे दिए अपन, एक आधा घंटे तक दम दे देंगे। देखिए दम परफेक्टली हो गया। आधे घंटे तक लो फ्लेम पर, एक बार फुल फ्लेम करी उसके बाद लो कर दी मैं, परफेक्टली बनकर रेडी होगा ज़ाफ़रानी बिरयानी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग रमज़ान में भी। चलिए ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डिश आउट कर लेंगे अब, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।